स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना खुश रहें। अगर आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना यार, इससे पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और यह बात याद रखो कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छा काम करता हूँ। और बड़े बड़े लटेरे, फराडिये, बंगी और जो कराची में बंगी कहलाते हैं और लाहौर में चूड़े कहलाते हैं, उनके ऊपर बताता रहता हूँ कि किस तरह वो कौम को लूट रहे हैं, मसीहियों को किस तरह वो जलील कर रहे हैं, उनकी जायदाद पे कैसे वो कब्जे करते हैं, तो ये मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आज जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ कराची में उन्हें बंगी कहा जाता है और लाहौर में उसे चूड़ा कहते हैं। आपको बताऊँगा कैसे, जैसे है ना जी कि चूड़े अकल दे कूड़े खांदे कणक ते दस दे सूड़े, फिर चूड़े दे चूड़े। और ये वो चूड़े की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने आप को वकार हुसैन कहता है और वो है जनाब बना हुआ वकार हुसैन। या तुम वकार मसीह क्यों निकलाते? अगर तू मसीह है तो मसीह का ऐलान कर कि तू मसीह है, तू क्रिश्चियन है। और अगर तू वो शिया है या तू मुसलमान है तो फिर तो रखना अपने आप को लोगों को धोखा देने के लिए, तो उन्हें वकार हुसैन रखा हुआ है यार, तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत बड़ी। लोग तो ये समझ नहीं पाते यार। मुझे ये बताओ, जितने पाकिस्तान के लोग हैं जो दुनिया में जहाँ भी लोग हैं, जो कहते हैं जी वो सैयद ही कुड़ा जी जरा सोना ना हो यार, ये सैयद में भी वेख लो, ये वकार हुसैन नो ये शक्ल वेखो, तो शक्ल के उत्ते फिटम लिखे काला काला नाग नहीं जुड़े होंगे तो काला एक ठंडा लिखे, तो ये हैरान हो जाओगे। और वो कहता जनाब मेरे तक मेरे मन को बुरे लफ्जा ना बुलाया, मैं पता नहीं की कर दिता पर किन्ने भी बंदे मारे सू, लेकिन मैं तुम्हें दसागा, वो आपको बात बताऊँगा कि वो जो लड़की थी ना एक, जिसने जिसके चक्कर में जिसके जना के केस में ये कराची जेल में भी रहा था, मैं उससे भी हमसे मिल रखा है और उसकी सारी वारदात का हमें पता है। वो तो एक अलग कहानी कि ना, वो खुद कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, वो कितने लोगों को घेरती है, कितने पैसे लेती है, तो बाद से हमारी उससे मुलाकात भी होगी बड़ी देर के बाद, लेकिन ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और यही मेन बंदा है जिसने जो मुश्ताक सरजील भट्टी के अकाउंट में पैसे आते थे और ये लेता था, क्योंकि रिश्तेदारी का ये फ़ायदा उठा रहा था। देखिए अभी सच क्या है, झूठ क्या है, बहुत सी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले इसको ये कहता हूँ कि आप अगर क्रिश्चियन हो तो फिर वकार हुसैन ना बनो, फिर आप वकार मसीह बनो। अगर आप शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहमदी हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन आप लोगों को पादरी भी कहते हो और अपनी टेबल के सामने जनाब जैक डैनियल जो है वो भी रखते हो अपने रंग की तरह, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन याद रखिए, ये कब्ज़ा ग्रुप का जो है, मैंने बताया ना माफिया, लैंड माफिया, वो कहता है जी मैं कब्ज़ा लेने के लिए गया था, छुड़ाने के लिए। तो भाई क्या कर रहे हो तुम, लाहौर और कोई कब्ज़ा छुड़ा रहा है, खुदा का खौफ खाओ। तो सारी टीम को इनकी को मैं बता दूँ कि ये एक जो बंदा है ये किस तरह है कि ये कराची से चलता है लाहौर और कराची से पैसे मंगवाए इसने मुश्ताक सरजील भट्टी के अकाउंट में, तो वो भी ज़रा अकाउंट चेक कर लें, वो क्या अकाउंट है, किस किस में क्या डीलें हो रही हैं। आपको बहुत सी एजेंसियों को, खासतौर पर पुलिस को, इंटेलिजेंस को और FIA को बहुत सी अहम मालूमात मिलेंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।